हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग क्लास में जब तक मिलेंगे तब तक हम काफ़ी सारा पढ़ चुके होंगे। हमने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें तो हमारी तीसरी यूनिट की पढ़ ली है। बीए फाइनल के बच्चों से मुखातिब होंगे इस समय। बीए फाइनल के फर्स्ट पेपर में हमने महाकाव्य का स्वरूप और उसकी विशेषताएँ, खंडकाव्य का स्वरूप और उसकी विशेषताएँ, मुक्तक काव्य का स्वरूप और उसकी प्रवृत्तियाँ, गीति काव्य की विशेषताएँ, उसकी परिभाषाएँ इत्यादि हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कुछ कवियों का परिचय हम पढ़ चुके हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की विशेषताएँ, भारतेंदु युग की विशेषताएँ, हमने युग भी काफ़ी कर ली है। भारतेंदु युग के अलावा हमने प्रयोगवाद साठोत्तरी कविता को भी अपने पाठ्यक्रम में देख लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है। और तीन किताबें हैं, दो किताबें हैं और तीसरी वो इस तरीके से यूनिट है, होता तो वो भी किताबों में ही है लेकिन आपको मैं अपनी तरफ से पढ़ा देती हूँ। और दो किताबों में से शंभुक चूंकि खंडकाव्य है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कॉलेज खुले तो उसको मैं शुरू करूँगी, क्योंकि उसको हम बीच बीच में छोड़ नहीं सकते, उसको हमें लगातार लेके चलना पड़ेगा। और मुक्तक की किताब का फ़ायदा ये है, सुख ये है कि कोई भी लेसन पहले या बाद में पढ़ाया जा सकता है। तो एक मेरा कायदा है कि सबसे पहले पहला चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं उसके बाद लास्ट का चैप्टर पढ़ाती हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि बीच में फिर तीसरा, फिर पांचवा, इस तरह हम पढ़ते सारे चैप्टर हैं, लेकिन बाय द वे किसी भी वजह से क्लासेस नहीं हो पाए, कोई भी ऐसी अड़चन अध्ययन में लग जाए तो हमारी इकाइयाँ सब छुई जाएंगी। हम कम से कम हर यूनिट से 50% से ज़्यादा पढ़ लेंगे कि उस इमरजेंसी में, उस आपातकाल में हम सरवाइव कर सकें, हम लड़ सकें। तो पहला जो हमारा लेसन था मैथिली शरण गुप्त का था, उनकी तीन कविताएं हमने पढ़ी। कुछ न पूछ मैंने क्या गाया, जीवन का अस्तित्व निर्बल के बल राम, ये और उनका कवि परिचय भी हमने लिया। अब हमारा जो पांचवा लेसन है ये है, ये नंद किशोर आचार्य। तो नंदकिशोर आचार्य की पांच कविताएं हमारे सिलेबस में चलती है। कितनी कविताएं? एक ही कवि नंदकिशोर आचार्य की पांच कविताएं। तो पांचों कविताओं को मैं सिलसिलेवार आपके सामने न सिर्फ पढ़ूंगी बल्कि उनका अर्थ भी बताऊंगी और उनकी व्याख्या भी समझाऊंगी। लेकिन सबसे पहले हिसाब यह होता है कि हम उस कवि के बारे में जान लें जिसकी रचनाएँ पढ़नी है। तो नंदकिशोर आचार्य के बारे में मैं अलग से एक पूरा वीडियो डाल चुकी हूँ, अधिक समय मैं नहीं लूँगी या मैं आपको अधिक अभी नहीं बताऊँगी। समय तो मैं लेती क्या हूँ, मैं अपना समय आपको देती हूँ अगर आपको ध्यान हो तो। तो नंदकिशोर आचार्य नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं। प्रयोगवाद और नई कविता के लिए छपे हुए चार सप्तकों में से 1979 में आने वाले चौथे सप्तक के ये अग्रणी कवि हैं। अगेन अपने चौथे सप्तक में नंदकिशोर आचार्य की कविताओं को भी शामिल किया था। नंदकिशोर आचार्य का जन्म राजस्थान के बीकानेर जिले में 1945 ईस्वी में हुआ था। सौभाग्य की बात है कि वो आज भी हमारे साथ हैं, हमारे बीच में लिख रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है आपसे ये शेयर करते हुए कि मैं उनसे मिल चुकी हूँ। फिलहाल वो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा में है और अपनी सेवाएं वहां दे चुके हैं। जब मैं मिली थी उस समय वो हैदराबाद में अध्यापन कर रहे थे, संस्थाएं संभाल रहे थे हिंदी की, और मैं उनसे चूरू में मिली थी लोहिया कॉलेज के राष्ट्रीय सेमिनार में। वो अपने आप में निराले कवि हैं। देखिए हर कवि निराला होता है, लिखना बड़ा आसान काम तो है नहीं। अगर हम चंद छद्म कवियों की बात छोड़ दें तो लिखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वो लेखने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। पहले आपकी भाषा, पहले आपका कंटेंट, पहले आपके तेवर, पहले आपके विचार सब जरूरी है, तब आप उसको कागज़ पर ढाल पाएंगे। तो नंदकिशोर आचार्य जो हैं न सिर्फ कवि हैं बल्कि आलोचक हैं, नाटककार हैं। उनका लिखा हुआ नाटक हस्तिनापुर बीए पार्ट सेकेंड में हम पढ़ रहे हैं। उनकी कविताओं में दार्शनिक तत्व की प्रधानता रहती है, उनकी कविताओं में उनका आलोचक और चिंतक तत्व तो प्रधान रहता है, लेकिन उनकी कविताओं में एक बात और है, बौद्धिक होने के उपरांत भी रह जाने वाली संवेदना।
उनकी कविताएं आसानी से समझ नहीं आएगी। जैसे प्रेमचंद की कहानियों के लिए हम कह सकते हैं कि पांचवी सातवीं पाठ आदमी भी समझ लेगा, लेकिन इनके काव्य को पढ़ने के लिए आपका जो मेंटल लेवल है, आपका बौद्धिक स्तर है, वो ऊंचा होना चाहिए। इनकी भाषा बहुत सरल होती है, वही शब्द ये उठाते हैं जो हमारे आसपास से लिए गए हैं, लेकिन जो लिखते हैं, जो अनुभूति की सघनता होती है, जिन चीज़ों को, जिन बातों को, जिन बिंदुओं को ये उठाते हैं, वो जटिल होते हैं। हालांकि वो अप्राप्य नहीं है, दुर्लभ नहीं है, हमारे बीच ही, लेकिन ये इनकी पैनी दृष्टि का कमाल है कि ये देख लेते हैं और ये समझ लेते हैं और ये लिख देते हैं। अब जिसने जीवन को जितनी गहराई से महसूस किया है, वो उतनी ही गहराई से इनकी कविताओं को आनंद लेकर पढ़ सकेगा, समझ सकेगा, और कभी कभी तो हतप्रभ भी रह जाएगा। अब इनकी कविता में प्रयास करती हूँ कि आपको समझा सकूँ। प्रयास शब्द इसलिए बोला है कि कवि किसी रोम में बह के लिखता है। कवि को सपने में भी पता नहीं होता कि वो जो है उसकी कविता किसी पाठ्यक्रम का हिस्सा बन जाएगी। वो खुद महसूस करता है, खुद लिखता है, और जब हमारे पाठ्यक्रम में चलती है तो लिखा किसी और ने, महसूस किया किसी और ने, और उसकी चीड़फाड़ पोस्टमार्टम कोई और कर रहा है। तो बहुत बार तो हम उस मूल अर्थ से बहुत दूर निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी भरपूर प्रयास होता है कि हम उस पर पहुँचें। इसीलिए पाठांतर में ये हम पढ़ाते हैं, बताते हैं कि एक ही कविता का कई कई अर्थ दूसरे दूसरे लोग निकालेंगे। सबसे नज़दीकी अर्थ जो होता है वो ईमानदारी से कोशिश क्या हम बोल सकते हैं, बाकी अपने दृष्टिकोण के हिसाब से अर्थ निकलते हैं। इनकी हमारे सिलेबस की पहली कविता है, कहीं भी समतल नहीं है शहर। धर धराता हुआ दुपहिया या तिपहिया कोई बूढ़े को कुचलता सा छोड़ता हुआ मुंह पर धुआं घबराया, एक पल रुक कर वह बुदबुदाता है कोई। सुनता नहीं कोई जिसे झुंझलाता, अपने ही से वापस चल देता बूढ़ा शहर, लाठी को और ताकत से पकड़ता। धड़धड़ाता हुआ दुपहिया या तिपहिया कोई बूढ़े को कुचलता सा छोड़ता हुआ मुंह पर धुआं घबराया, एक पल रुक कर यह बुदबुदाता है कोई। अनेकानेक पढ़ते हैं इस कविता में अर्थ की, अनेकानेक संभावनाएं हैं इस कविता में। यह जो बूढ़ा है, जो पड़ा है और उसके मुंह पर धड़धड़ाता हुआ दुपहिया या तिपहिया कोई उसको कुचल कर चला जाता है, उसके मुंह पर धुआं छोड़कर चला जाता है, यह बूढ़ा हाईवे की सड़क हो सकती है। यह बूढ़ा वो निरवधि विस्तृत आकाश हो सकता है। आकाश को हम अपने विचारों से रौंदते हुए, अतिक्रमित करते हुए निकल जाते हैं, उसको लापरवाही से पीछे छोड़ते हुए, उसको लगभग अवहेलना उसकी करते हुए, और यही हम सड़क के साथ करते हैं। सड़क हमारे पैरों तले बिछी होती है, लेकिन हम उस पर चलते तो हैं, उसके बारे में सोचते नहीं हैं। कभी न कभी तो हमें आराम मिल जाता है, अथक चलकर हम घर पहुंचते हैं, थकान मिटाते हैं, लेकिन सड़कें कभी नहीं सोती, सड़कों को कभी आराम नहीं मिलता। महानगर की सड़कें तो बेचारी अभागिन होती है, गांव की पगडंडियाँ ऊँघने लगती हैं शाम पड़े ही, और शहर की सड़कों को आराम नहीं है आधी रात को भी। तो सड़क को अगर इस कविता का आधार बिंदु माना जाए, तो उस पर से धड़धड़ाता हुआ दुपहिया वाहन यानी स्कूटर बाइक निकल जाती है, तिपहिया यानी टेम्पो निकल जाते हैं। उस बूढ़े की तरह जैसे लाठी टेक टेक कर चल रहा हो और बहुत द्रुत गति से आने वाला वाहन निर्ममता से उसको कुचलता हुआ बढ़ जाए, बूढ़े की धीमी चाल की उसको परवाह नहीं हो, उसके लिए रुक जाने या साइड देने की परवाह नहीं हो, वही सड़क पर किया जाता है। और छोड़ता हुआ मुंह पर धुआं भी छोड़ जाते हैं। सड़कों पर चलने वाले वाहनों का धुआं कितना विषैला होता आप समझ सकते हैं कि हमारे ही देश की राजधानी दिल्ली को श्वासों की दृष्टि से बहुत खराब स्तर पे माना गया, सबसे दूषित हवा मानी गई है वहाँ की। तो सड़कों पर ऐसी दूषित हवा छोड़ते हुए निकल जाते हैं। घबराया एक पल रुक कर वह बुदबुदाता है कोई, सबसे धीमी गति से चलने वाला यात्री, सबसे धीमी गति से चलने वाला थका हुआ बूढ़ा पथिक और थकी हुई हमारी सड़क बुदबुदाती है। सांस लेकर ठहर कर धीरे धीरे चलने की गुजारिश करती है।
सुनता नहीं कोई जिसे, झुंझलाता अपने ही से वापस चल देता बूढ़ा शहर। ये शहर जो बूढ़ा हो गया, हम कलकत्ते की, दिल्ली की, बनारस की बसावट पढ़ते, इतने 100 साल पुरानी है, तो जब हम 100 साल नहीं जी पाते, एक ही जन्म में हम छोटे छोटे काम करके थकते हैं, तो हमारे ये बूढ़े हो गए शहर भी तो थकते हैं। सड़क की तरह इसको शहर समझिए। कवि ने शहर के लिए ये बात कही है कि थक जाता है इन शहरों पे कभी, इन शहरों के मुंह पे हम थूकते, इन शहरों के ऊपर हमने इतनी बस्तियां बसा ली, कंक्रीट के जंगल तैयार कर लिए, इन शहरों के ऊपर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे जो ये कार्बन फुटप्रिंट, ये इसको निगल रहे हैं, नेस्तनाबूत कर रहे हैं, बहुत खतरनाक हो चुके हैं हमारे शहर। हमारे गांव में छोटे छोटे घर होते हैं, बड़े बड़े उसमें आंगन होते हैं, 2 कमरे इधर है, 1 कमरा उधर है, टॉयलेट उधर है, बाग उधर ऊंट बंधता है, इधर बटोड़ा लगा है, लेकिन शहरों में एक ही कमरे में रहना होता है, कमरे के साथ अटैच रसोई होती है और वहीं पे लेट बात होती है। बहुत पहले की पढ़ी एक कविता याद आ गई, छोटी सी, बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे रूम, बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे रूम, फागुन कब आया गया होता नहीं मालूम। तो बस यही बात है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये शहरों में रहने की संभावनाएं हैं। और गाँव में जमीन होंगी अच्छी, लेकिन बेतरतीबी से कमरे बने होंगे, बच्चों के खेलने के लिए जगह खूब होगी। लेकिन अगर इस नॉस्टैल्जिया से परे आऊं तो शहर भागने की एक अलग ही मजबूरी होती है। स्पेस नहीं देते गांव, व्यक्तिगत स्पेस नहीं देते, व्यक्तित्व का विकास नहीं होता, काम धंधे नहीं होते, तो लोगों को शहरों में जाना पड़ता है। और माचिस के डिब्बियों जैसे छोटे छोटे फ्लैट में उनको अपने बच्चों के साथ गुजर बसर करनी होती है, अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे फ्लैट की पूरी उम्र EMI चुकानी होती है। और इन सबसे बोझ तले दबता है शहर, इन सबसे बोझ तले दबती है शहर की सड़कें। ऐसे निर्मम लोग जो उन शहरों में रहते हैं, उनके लिए कवि ने लिखा है कि शहर बूढ़ा हो गया है, शहर खांसता रह जाता है, शहर चिल्लाता रह जाता है, लोग उस पर निर्ममता से दुपहिया तिपहिया वाहन चला के निकलते चले जाते हैं। बूढ़ा शहर लाठी टेकता हुआ चलता है, और जब लाठी छूटने वाली होती है तुम क्या करते हो, और भी कस के उस लाठी को पकड़ लेते हैं, तो बूढ़ा शहर अपनी लाठी को और भी कस के पकड़ लेता है। जिस तरह से हम ठोकर लगने के वक्त किसी भी चीज़ को थाम लेते हैं, शहरों में भी रात दिन अब भूकंप के झटके आ रहे हैं। जहाँ तक हो सकता है शहरों ने अपनी जड़ों को थाम कर रखने की कोशिश की हुई है। तो इस कविता में कवि ने शहरों की बदहाल जिंदगी, भागती दौड़ती जिंदगी की बात की है। समतल नहीं है, समतल कहीं पर भी शहर नहीं है, उबड़ खाबड़ सड़कें शायद कम होंगी, लेकिन एक तरफ झुग्गी झोपड़ियां हैं तो दूसरी तरफ बहुमंजिला इमारतें हैं, अट्टालिकाएं हैं, शॉपिंग मॉल हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, एक प्लेन रास्ता, एक प्लेन आकृति उस जगह नहीं मिलेगी। और इस समतल परे शहर से धड़धड़ाता हुआ का जो शब्द है, धड़धड़ाता, इसका अपना एक मूल्य है। देखिए कोई भी शब्द हो, जैसे पेंटर अपने रंगों से चित्र बनाता है, कवि अपने शब्दों से चित्र बनाता है, तो धड़धड़ाने का सीधा मतलब है बिना रुके, अगर कोई ना देखे तो रेड लाइट को भी क्रॉस कर जाए, बिना दूसरे के लिए मुरव्वत रखे, रफ्तार भरी जिंदगी में निर्ममता पूर्वक दौड़ते चले जाते हैं शहर के वासिंदे, सबको कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी है। इस प्रकार से एक भागता दौड़ता बासिंदा अपने शहर को कितना रौंदता है, अपने वाहन के धुएं से, अपनी तेज चाल से, और शहर की क्या दशा होती है, वही इस कविता में कवि ने चित्रण किया है। जो मैंने भावार्थ बताया है वही इसकी व्याख्या है, प्रसंग संदर्भ लिख देंगे और उसके बाद जो मैंने बताया वो व्याख्या में आ जाएगी। प्रसंग चौथे सप्तक में सम्मिलित महत्वपूर्ण कवि नंद किशोर आचार्य की कहीं बेसमतल नहीं है शहर कविता से उपर्युक्त पद्यांश अवतरित है। और संदर्भ में क्या लिखेंगे, अगर कोई ऊपर की पंक्ति है तो ये संदर्भ बन जाता है कि पहले क्या था जिसकी वजह से ये कहा गया,
और छोटी छोटी कविताओं में संदर्भ बनेगा कविता के भावार्थ की मेन पंक्ति। तो प्रस्तुत पद्यांश में ये पूरी कविता है। कविता में कवि ने शहरों की भागम भाग भरी जिंदगी और उससे शहर पर पड़े असर को दिखाने का प्रयास किया है। फिर आएगी व्याख्या। व्याख्या वही होगी जो जस्ट अभी अभी मैंने बताई है। उसके बाद आएगा विशेष। विशेष में हमने कविता से जो पाया है वही लिखना है, लेकिन यूं लगेगा जैसे हमने काफी खोजबीन करके निकाला है, और निकालते भी हैं। हम पढ़ते हैं तो नई नई अर्थ की पढ़ते खुलती हैं। शहरी जीवन की आपाधापी का चित्रण इस कविता में हुआ है। शहर लोगों के बोझ से किस कदर दब गए हैं इसका भी चित्रण कवि ने इस कविता में किया है। कविता की भाषा संप्रेषणीय प्रवाहमयी और बोलचाल की भाषा से प्रभावित है और शैली मार्मिक है। यह इस कविता की व्याख्या हो गई, विशेष और संदर्भ हो गए। प्रश्नों के उत्तर में अगले वीडियो में कराऊंगी। आज इतना ही। आप इसको पढ़िए, बार बार गुनिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये पाठ, आज की ये कविता, इसकी व्याख्या आपके समझ में आई होगी। आज इतना ही। थैंक यू।